हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिटमी 05। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियो क्रिएट करते हो, आप एक वीडियो क्रिएटर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये थोड़ा देर का वीडियो शायद आपके चैनल को बचा सकता है या आपका वीडियो को डिलीट होने से बचा सकता है। जैसा कि आपको पता है, इंटरनेट पे आजकल एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, आर्टिकल 13 के बारे में लोग बता रहे हैं। जितना हो सके अपने माध्यम से बता रहे हैं, छोटे बड़े जो भी यूट्यूबर हैं वो आपके आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आर्टिकल 13 है क्या? और बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बता रहे हैं, और कभी कभी इतना बता दे रहे हैं कि लोगों को डरा दे रहे हैं कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। क्योंकि उनको भी इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जहाँ से भी मिलता है जानकारी ली और आपको बता दिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, पूरा ये मामला क्या है, आर्टिकल 13 हैशटैग सेव योर इंटरनेट है क्या। देखिए, एक मुहिम है। अब मुहिम कैसे है और क्या है मुहिम, इसके बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले कॉपीराइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले आप कोई भी वीडियो बनाते थे तो किसी का भी कंटेंट उठा के थोड़ा मोड़ा आप डाल सकते थे। फेयर यूजेस के तहत 30%, उससे कम आप अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं, साउंड हो गया, क्लिप हो गया, कुछ भी कॉपीराइटेड मटेरियल आप अपने वीडियो में यूज़ करते थे। किसके तहत? फेयर यूजेस के तहत आप थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते थे। लेकिन यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में वहाँ की कंपनी नहीं चाहती है कि आप कोई भी मटेरियल, कोई भी आइटम, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, साउंड हो, वीडियो हो या कुछ भी, आप उनका यूज़ नहीं करें। तो ये बहस इतनी बढ़ गई कि उनके पार्लियामेंट में चली गई। तो दो पक्ष हुए, एक जो चाहते थे कि फेयर यूजेस हो सकता है, और एक जो चाहते थे कि नहीं, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा बहस चली, और लास्ट में जो ये चाहते थे कि थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करना है, वो लोग जीत गए। उनके जो कैंडिडेट थे बहुत ज़्यादा थे और वो लोग जीत गए। हालांकि इस पर कोई कानून नहीं बना, इस पर एक बार और सुनवाई होगा 19 जनवरी 2019 को, तब शायद कानून बन जाए। और कानून बने भी तो शायद 2 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में। अब उसके बाद होगा क्या? आपको जैसे पता होगा, कोई भी कानून एक देश का तो होता नहीं। अगर कॉपीराइट का कानून है तो सब देश पे लागू होता है और सब यूट्यूब क्रिएटर पे लागू होता है। तो ये कानून बनेगा तो सब पे बनेगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे वीडियो को उड़ाना पड़ेगा जो ऐसा यूज़ करते हैं या फर्दर यूज़ करेंगे। तो इससे चिंतित होके सारे सोशल नेटवर्किंग साइट वाले एक मुहिम चलाएं, हैशटैग सेव योर इंटरनेट, जिसमें बताया गया है कि इसमें अपील किया गया है कि सारे यूट्यूब क्रिएटर जो भी है, छोटे बड़े, आप अपने ऑडियंस को बताएं या रिक्वेस्ट करें, जिससे जो बहुत ज़्यादा मत वाले जो चाहते हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी मटेरियल यूज़ ना किया जाए, उनका शायद मन बदल जाए, या इन लोग का ज़्यादा वोटिंग होने लगे जो चाहते हैं कि फेयर यूजेज हो, वो लोग का संख्या ज़्यादा बन जाए। उसके लिए एक मुहिम चलाया गया है, हैशटैग सेव योर इंटरनेट, जिसके बारे में सारे यूट्यूब, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाइए तो वो लोग को जितना हो सके एक वीडियो बना के उन लोगों ने डाला, एक मुहिम चलाया है। जो आप भी चाहो तो आप भी वीडियो बनाओ हैशटैग सेव योर इंटरनेट करके, और आप लोगों को बताओ, एक मुहिम है, ताकि आपका वीडियो देख के, ताकि आपकी वीडियो को देख के वो लोगों की संख्या बढ़ सके जो चाहते हैं फेयर यूजेस करने दो यार, क्यों चाहते हो कि थोड़ा सा भी यूज़ ना करें। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मेरा आइटम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और ये लोग थोड़े से कम पड़ गए हैं फेयर यूजेस वाले। तो एक मुहिम है, आप भी वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए कि फेयर यूजेस करने दो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक से समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।